बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को वैशाली में विरोध झेलना पड़ा। तेजस्वी यादव की गाड़ी को रोककर विरोध किया गया। वैशाली में विकास के मुद्दे को लेकर दो जगहों पर विरोध जताया गया। दरअसल तेजस्वी यादव राघोपुर में करीब 60 करोड़ की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने पहुंचे थे। इस बीच पक्की सड़क की मांग को लेकर कुछ लोग सड़क पर आ गए। इसके बाद पुलिस ने लोगों को सड़क से हटाया। कुछ प्रदर्शनकारी तेजस्वी यादव से भी मिले। घोषणा कर दीजिए सर। मलिकपुर के बाद नगर गावा गांव में छात्रों के एक गुट ने तेजस्वी के काफिले को रोककर विरोध किया। छात्रों ने सड़क, डिग्री कॉलेज और स्टेडियम की मांग की। आसमान से जमीन तक देश की गौरव गाथा आन बान शान के साथ लिखेंगे देश के जवान। गणतंत्र दिवस पर न्यूज 18 इंडिया की खास कवरेज। जय हिंद। 26 जनवरी सुबह 6 बजे से। निर्यात के लिए नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, लेकिन लेपर्ड 2 टैंकों की यूक्रेन को सप्लाई करने का मतलब ओलाफ शोल्स जानते हैं। उन्हें पता है कि अगर ऐसा किया तो पुतिन से वो बैर कर बैठेंगे और इसका खमियाजा उन्हें आने वाले वक्त में भुगतना पड़ सकता है। यही वजह रही कि लेपर्ड 2 टैंकों को यूक्रेन भेजने पर जर्मनी ने पीठ दिखा दी और यूक्रेन की इस मांग को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि जर्मनी का कहना है कि उसे डर है कि यूक्रेन को अगर ये टैंक दिए गए तो इससे युद्ध और ज्यादा भड़केगा, क्योंकि जंग में इन टैंकों की तैनाती से पुतिन की सेना के लिए तनाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में रूस नेटो को टारगेट पर ले सकता है, क्योंकि लेपर्ड 2 जर्मनी का खतरनाक टैंक है। इन टैंकों को जंग के मैदान का बड़ा योद्धा माना जाता है। ये टैंक दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियों पर लगे करीब 450 मिलीमीटर तक के कवच को भेदने का दम रखते हैं। इसलिए पश्चिमी देश चाहते हैं कि जर्मनी के इन लेपर्ड 2 टैंकों को रूसी सेना के खिलाफ जंग के मैदान में उतारा जाए। उधर यूक्रेन के कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूके के चैलेंजर 2 और जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक मिलने से यूक्रेन की ताकत कई गुना बढ़ सकती है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इन टैंकों को तैनात करने से यूक्रेन में छिड़े युद्ध की सूरत बदल सकती है। और ऐसा माना जा रहा है कि बीते 11 महीने से पुतिन के जो सैनिक यूक्रेन की धरती पर जमे हैं, उन्हें वहां से उल्टे पांव भागने में देर नहीं लगेगी। यूक्रेन के रक्षा विशेषज्ञों का तो यहां तक कहना है कि जंग को पलटने के लिए यूक्रेन को सिर्फ 300 टैंकों की जरूरत है, जो रूस को जंग के मैदान में पटकनी देने के लिए काफी है। यूक्रेन के एक रक्षा विशेषज्ञ के मुताबिक जंग में जेलेंस्की की जीत बड़े पैमाने पर पश्चिमी देशों के यूक्रेन को जल्द से जल्द आधुनिक हथियार देने पर निर्भर करती है। और अगर यूक्रेन को लगातार पश्चिमी देशों से एडवांस टैंक और दूसरे हथियार मिलते चले गए तो रूस जिन शहरों पर कब्जा कर चुका है उन्हें भी वापस पाना जेलेंस्की की सेना के लिए आसान होता चला जाएगा। और यही वजह है कि जेलेंस्की लगातार ज्यादा से ज्यादा देशों से यूक्रेन की तरफ मदद का हाथ बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में यूके ने यूक्रेन को अपने 14 चैलेंजर 2 टैंक देने का ऐलान किया था। इसी तरह जर्मनी से भी जल्द लेपर्ड 2 टैंकों को हरी झंडी मिलने की उम्मीद दिख रही है, क्योंकि हाल ही में वहां के विदेश मंत्री ने कहा था कि पोलैंड अगर यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक भेजना चाहता है तो जर्मनी उसके रास्ते में नहीं आएगा। वैसे नियमों के मुताबिक पोलैंड को इन टैंकों की सप्लाई के लिए जर्मनी से मंजूरी लेना जरूरी है।